मिशन इंद्रधनुष 5 की सफलता को लेकर अनुमंडलीय अस्पताल सभागार में एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें बाल विकास परियोजना की महिला पर्यवेक्षिका सभी ANM BTT सहिया साथी ने भाग लिया। प्रशिक्षण में उपाधीक्षक डॉक्टर मोहम्मद साहिद ने कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मिशन इंद्रधनुष 5 अगला महीना अगस्त में शुरू होगा। इसमें 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों का टीकाकरण और गर्भवती महिलाओं का ANC जाँच सहित टिटनेस का टीका भी दिया जाएगा। कहा कि सभी स्वास्थ्यकर्मी अपने अपने क्षेत्र में सर्वे कर टीकाकरण से छूटे हुए बच्चों और गर्भवती महिलाओं की सूची तैयार करें, इसी के आधार पर एक्शन प्लान बनाया जाएगा। अब तक मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम 4 बार हो चुका है। इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है ताकि टीकाकरण से छूटे हुए बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण हो सके। वहीं सुदूरवर्ती ग्राम जहां टीकाकरण के लिए स्वास्थ्यकर्मी को जाने में कठिनाई होती है, वहां के बच्चे और गर्भवती महिला को विशेष ध्यान देकर एक्शन प्लान में शामिल किया जाएगा ताकि उन सभी का भी टीकाकरण हो सके। उपाधीक्षक ने सर्वे के दौरान एहतियात बरतने की भी बात कही है, क्योंकि अगर सर्वे में कोई एरिया छूट जाता है तो बच्चे और गर्भवती महिला टीकाकरण से वंचित रह जाएंगे। मौके पर WHO के सुपरवाइजर विकेश कुमार, महिला पर्यवेक्षिका निवेदिता नटराजन, BPM इमरान अंसारी, दामोदर वर्मा, अजय कुमार दास समेत कई ANM व सहिया साथी मौजूद। आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी बीचना है, अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी बीचना है, भले हालात हो कैसे भी बस ये सोच ले तू, यही है जिद, यही है रार, बस अब जी।